अजय यादव, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल दिल्ली अकेडमी पर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। और आप सबको पता ही होगा, पिछले 7 क्लासों में मैंने मैथ की पढ़ाए हैं, मैं कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ा रहा था। तो मेरे जानने में वाले काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मैं फ़ोन किया पर्सनली कि बोला सर आप मैथ के रीजनिंग भी पढ़ाइए, तो मैं आज रीजनिंग की भी क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ। और स्पेशली NTPC रेलवे NTPC ग्रुप डी को एक फोकस करके मैं रीजनिंग स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आप देखें उसका सिलेबस क्या है और उसमें क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस टॉपिक से क्या आता है। तो आज मैं उसके ऊपर पूरा डिटेल बताता हूँ, फिर उसके बाद एक टॉपिक आपको स्टार्ट करूँगा जिसको कोडिंग डिकोडिंग कहते हैं, वहाँ से बेसिक आपकी रीजनिंग स्टार्ट होती है, वहीं से मैं स्टार्ट करूँगा। तो सबको पता ही होगा कि कोरोना वायरस का जो इन्फेक्शन फैल रहा है, तो जिसके चलते मतलब भारत सरकार ने ये लॉकडाउन की जो दिनों की संख्या बढ़ाई है वो 19 दिनों तक, वो आप इसलिए बढ़ाई गई कि आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें। इसलिए क्योंकि अगर आप पता घर से बाहर निकलोगे तो पुलिस आपके लिए वेट कर रही होती है और आपकी लाठियों से मतलब स्वागत करती है। इन सब चीज़ों से आप बचने के लिए घर पे रहें, उनका फुल यूज करें, मतलब फुल यूटिलाइज करें, आप बढ़िया से प्रॉपर नोट बनाएं, आपकी जो कमियां हैं उसे सुधारें, रीजनिंग को बहुत बढ़िया से, क्योंकि हम सबको पता होता है कि रेलवे के जो पेपर होते हैं प्री हो चाहे मेंस हो, प्री में 30-30 नंबर की मैथ और रीजनिंग दोनों होती है और मेंस में ये 35-35 नंबर का होता है। तो रेलवे में अगर किसी को सिलेक्शन चाहिए तो मैथ और रीजनिंग तो कंपलसरी है, उसे बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। और GS तो मतलब आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कितना आप उसे मैनेज करते हो। लेकिन जो भी व्यक्ति, जो भी लड़का, जो भी स्टूडेंट अगर मैथ और रीजनिंग की कमांड बनाता है तो बाद में उसे GS में भी थोड़ी आसानी मिल सकती है। तो ये मतलब रीजनिंग आपका जो होता है स्कोर गेन करने वाला सब्जेक्ट होता है, जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो वो है, और रीजनिंग में आप सिलेबस देखें, मतलब NTPC या ग्रुप डी का सिलेबस जो होता है वो दोनों बराबर होता है, दोनों सेम होता है। वो आपको यहाँ पर बोर्ड पे लिखा गया होगा, आपको पता होना चाहिए कि आपकी NTPC में सिलेबस क्या क्या है। ये चीज़ पहली जो टॉपिक उसमें पढ़ाई जाती है NTPC में, जो आपके सिलेबस में दी जाती है वो क्या होती है, एनालॉजी होती, दूसरी क्या होती है पजल होती है, तीसरा क्या होता है सिलोलिज्म होता है, चौथा क्या होता है वर्ड डायग्राम होता है, पांचवा डिसीजन मेकिंग होता है, छठवां कोडिंग डिकोडिंग होती है, और सातवां क्या होती है सिमिलरिटी या डिफरेंसेस होते हैं, और आठवां क्या होता है एनालिटिकल रीजनिंग में पार्ट आता है, उसमें कई पार्ट होते हैं आपकी, जैसे मतलब वाटर इमेज क्या होती है, पेपर फोल्डिंग क्या होती है, वो सब जितने पार्ट आते हैं एनालिटिकल में आते हैं। डाटा सफिशियंट का क्वेश्चन आता है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का आता है, अल्फा वेक्टर सीरीज का आता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन का आता है, रिलेशनशिप का आता है, जंबलिंग आता है, मास मैप्स का आता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स का आता है, पेपर फोल्डिंग का आता है, क्लॉक का आता है, कैलेंडर आता, डाइस होता है। इतनी टॉपिक आपके NTPC और ग्रुप डी दोनों में लगभग बराबर होती है, उसमें कोई कम और ज्यादा नहीं होती है। इन सबको मिला के आपके जो पेपर होते हैं वो 30 नंबर के बनाए जाते हैं। अगर आपने इसमें कमांड अभी तक आपने, हो सकता है काफी लोगों ने ऑफलाइन क्लास ली होगी, ऑनलाइन भी ली होगी, लेकिन मैं ये दावा नहीं करता हूँ, लेकिन ये मेरा भरोसा है कि मैं अगर आप मेरी पूरी वीडियो अगर किसी भी टॉपिक, जिस टॉपिक को मैं शुरू करता हूँ अगर आप उसे पूरा देखेंगे, उसके बाद आप चाहे जिस लेवल की बुक लगाएं कैट के, एक्सेप्ट कैट के अलावा बाकी आपके UP स्टेट के चाहे एग्जाम हो, चाहे आपके SSC हो, चाहे आपके रेलवे एग्जाम के हो, सबसे बेस्ट अगर कंटेंट अगर आपको कहीं मिलेगा तो वो मैं खुद देने वाला हूँ आपके यूट्यूब चैनल पर। आप इससे पहले आप सर्च करिएगा, देखिएगा, वो कहीं नहीं मिलेगा। ये मेरी मतलब ये मेरा भरोसा है पढ़ाने के ऊपर रीजनिंग में। तो आप उसका फुल यूज करें, फुल यूटिलाइज करें, प्रॉपर नोट्स बनाएं, अच्छे से अच्छे मतलब कंटेंट आपको मिल रहे हैं उसका यूज करके आप मतलब आप अपने एग्जाम को बीट कर सकते हो। तो मेरी जिम्मेदारी है बहुत अच्छे से पढ़ाना, आपकी जिम्मेदारी है प्रॉपर नोट बनाना, अच्छे से पढ़ाना, ताकि आपको मतलब एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। पहले आज जो मैं शुरू करने वाला हूँ कोडिंग, जो कोडिंग होता है जिसे हिंदी में कोड लेखन कहते हैं, ये रेलवे में आपका 2-3 नंबर हमेशा आता है, क्योंकि ये शुरू यहाँ से इसलिए किया जाता है क्योंकि आपकी जो रीजनिंग शुरू होती है वो अल्फाबेट से ही शुरू होती है। अगर आप सबने बचपन से लेके अब तक अंग्रेजी पढ़ी है, अल्फाबेट पढ़ी होगी, अल्फाबेट का बहुत काम है रीजनिंग में। अगर आपके अल्फाबेट लर्न है, उनके मतलब पोजीशन लर्न है, उनके अपोजिट पोजीशन लर्न है, तो आप हर किसी एक नॉर्मल स्टूडेंट से 3 और 4 नंबर हमेशा आप क्या रहोगे, आगे रहोगे। ये इसमें एडवांटेज होता है। जब भी आपको अगर अल्फाबेट याद है तो कोडिंग की कोडिंग से लेकर ऑड वन आउट वन सब होता है, सीरीज के क्वेश्चन आते हैं, ये सब जो क्वेश्चन आते हैं सीधा सीधा आपके अल्फाबेट पे डिपेंड, खुद रीजनिंग आपकी जो है 4-5 नंबर का डिफरेंस क्रिएट करती है अल्फाबेट। तो मैं सबसे पहले आपको कोडिंग की कोडिंग बताऊंगा, कोडिंग की कोडिंग में ये बताऊंगा कि अल्फाबेट कैसे याद किया जाता है। सबके अपने अलग अलग मेथड होते हैं बताने के, लर्न करवाने के, लेकिन मैं जिस तरीके से बताता हूँ अगर आप उस तरीके से याद कर लेंगे तो वो सबसे बेस्ट तरीका है, और सबसे बेस्ट तरीका हो सकता है आपके लिए, बहुत आसानी से याद किया जा सकता है। तो अल्फाबेट का पोजीशन और अल्फाबेट के अपोजिट दोनों याद करने का प्रयास करें।
मैं आप सबके लिए ये आपने सर्विस मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे नोट कर लेंगे, इसे प्रॉपर देखेंगे। जिनको एंटीग्रेसिव ग्रुप डी का है, मैं घर पे रहें सुरक्षित रहें, सब बातें तो लिखी गई आप सबके लिए लिखी गई, आप इसके रूल को फॉलो करें। बाकी क्या है तो कोडिंग है तो पहली टॉपिक कोडिंग में, कोडिंग में आपको क्या सबसे पहले अल्फाबेट याद होना चाहिए। अल्फाबेट याद करने के दो तीन तरीके हैं, मैं दो तरीके बताता हूँ। बेसिक है, बेसिक कैसे आते हैं तो लोग जो बताते रहते हैं आपको, ज्यादातर लोगों को ये पता होता है जब आपको रफ स्लेट दी जाती है उसपे क्या करें, एक से लेकर 13 अक्षर तक आप लिख लें। तो पहला अक्षर आपको अंग्रेजी वर्ड वाला ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर उसके बाद ई आता है, फिर एफ आता है, फिर जी आता है, फिर एच आता है, फिर उसके बाद आई आता है, फिर आपका जे आता है, उसके बाद के आता है, यल आता है, यम आता है, यहाँ तक वर्ड आप लिख लें। उसके बाद क्या होता है, यल न लिखे बल्कि इधर न लिखे, हम पीछे लिखना शुरू कर देते हैं। यहाँ से यहाँ से ओ, यहाँ से आपका पी होता है, यहाँ से आपका क्यू हो जाता है, यहाँ से आपका आर होता है, यहाँ से आपका यस होता है, यहाँ से आपका टी होता है, यहाँ से आपका यू हो जाता है, यहाँ से आपका वी हो जाता है, यहाँ से आपका डब्ल्यू होता है, ये एक्स हो जाएगा, यहाँ से वाई और यहाँ से जेड। तो क्या होता है कि पहले 13 अक्षर आपको सीधा लिखना होता है, फिर उसके बाद 13 जो अक्षर बचते हैं बीच में उसको क्या लिख दीजिए, पीछे लिख दीजिए। ये जो एक दूसरे के सामने अक्षर लिखे जाते हैं, आप देखोगे ध्यान से जो ये अक्षर लिखे गए एक दूसरे के सामने ना, ये सब एक दूसरे को क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो ये लिखने का इसका एक फायदा होता है। अगर आप ऐसे लिखोगे तो अगर जिनको नए आए पेपर में, तो वो लोग एक से लेकर 13 तक अक्षर आप सीधा लिखोगे, उसके बाद क्या करोगे वहां से एम के नीचे से एन से शुरू करोगे और पीछे लिखते हुए जेड तक आ जाओगे। तो ये एक से लेकर आप यहाँ पर एक पोजिशन डालो, ये 1 होती है, ये 2 होती है, ये 3 होती है, ये आपकी 4 होती है, ये आपकी 5 होती है, ये 6 होती है, ये आपकी 7 होती है, ये आपकी 8 होती है, ये आपकी 9 होती है, यहाँ से ये जे आपका किस पे होता है तो आपने कहा 10 पे होता है, ये 11 पे होता है, ये आपका किस पे हो गया 12 पे हो गया, यहाँ से आपका कितना 13 हो गया, ये आपका क्या 14 हो जाता है, यहाँ से 15 होता है, 16 होता है, 17 होता है, 18 होता है, फिर यहाँ से आपका क्या होता है 19 हो जाता है, फिर ये 20 होता है, फिर ये 21 हो जाता है, ये 22 होता है, यहाँ से आपका क्या 23 होता है, 24 होता है, 25 होता है, 26 होता है। ये लिखने का तरीका है, ये सब लोगों को ज्यादातर नॉर्मली सबको ये पढ़ाया जाता है, ये सबको पता भी होगा, ये एक दूसरे के सामने वर्ड लिखे हैं जो एक दूसरे के अपोजिट में लिखे गए हैं। मैं जो दूसरा मेथड बताता हूँ वो सबसे बढ़िया मेथड होता है, आप उसे अडॉप्ट करें। तो उसको मैं बताने का प्रयास करता हूँ, आप थोड़ा सा देखें, मैं इसको क्लियर करता हूँ, बताता हूँ। देखिए दूसरा स्टार्ट कर दीजिए, कर दीजिए। तो दूसरा मेथड आप देखिए सबसे जो बेस्ट मेथड है वो कैसे, आप मैं इतना मानता हूँ आप सबको यहाँ से कि ए ये पता होगा पहले स्थान पे आता है, बी आपका किस पे आता है तो आपने कहा कि 2 पे आता है, कौन सा वर्ड आता है तो आपने कहा कि बी आता है, 2 पे बी, यहाँ से आपका सी किस पे आता है आपने कहा 3 पे, डी किस पे आता है आपने कहा 4 पे, और ई कितना आता है 5। इतना मैं मान करता हूँ सबको याद ही होगा, क्योंकि इतना हम सब क्योंकि हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो यहाँ तक सबको पता ही होता है, कितना सबको याद होगा। अगला वर्ड अगर आप देखें यफ कैसे बनता है, तो मैंने कहा कि ये यफ बनता है अगर यहाँ से कोई नॉर्मल सा, अगर मान लीजिए छोटा सा बच्चा होगा आपके घर में, अगर उसने गलती से अगर मिस्टेक से ऐसे टच कर दिया तो ये लुक लाइक कैसा है, तो आपने कहा 6 की तरह, यहाँ 6 हो गया। फिर उसके बाद अगर यहाँ जी को देखें, जी आप कैपिटल ऐसे बनाते हो, सभी लोग ऐसे बनाते हो, अगर किसी ने अगर ऐसे कर दिया नीचे यहाँ से लगा दिया क्रॉस, तो आप इमेजिन करो अगर ये पार्ट न होता सिर्फ और सिर्फ तो ये किस पे दिखाई दे रहा है, तो आपने कहा 7 पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपका यच होता है, ये कम्प्लीटली ये पूरी तरीके से 8 की तरह नहीं दिखता है, लेकिन अगर किसी बच्चे ने अगर छोटे बच्चे ने अगर ऐसे टच कर दिया तो लुक लाइक कैसे दिखाई देता, तो आपने कहा 8 की तरह होता है। आई होता है जो हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम कैपिटल लेटर लिखा जाता है, इसलिए क्या होता है ये हम 1 एक संख्या की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। अगर आप यहाँ नीचे वाले पार्ट को अगर न बनाओ तो यहाँ से अगर किसी ने गोला ऐसे टच कर दिया तो कैसा दिख रहा है, तो आपने कहा 9 की तरह। तो आई किस पे होती है ज्यादातर, वो 9 पे होती है, हमेशा 9 पे होती है। जे किस पे होता, तो आप जे को थोड़ा ध्यान से देखें, जे ऐसे बनता है अगर किसी बच्चे ने यहाँ से गलती से अगर ऐसे टच कर दिया तो ये वाला पार्ट कैसा 0 हो गया, और अगर ऊपर वाला पार्ट देखोगे तो यहाँ 1 दिखाई दे, 1 और 0 को मिला क्या होता है 10 होता है। के आपका ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, ये बनता है क्या कि, लेकिन आप सोचो अगर कोई बचपन में छोटा सा बच्चा हो जो शुरुआत कर रहा नर्सरी से, अगर वो सीधा तो वो पहली बार ऐसे के नहीं बना लेगा, वो गलती करेगा ऐसे बनाएगा, ये कैसा लुक लाइक है, तो आपने कहा कि 11 की तरह के कैसे दिख रहा है 11 के। यल फॉर लायन होता है जिसको देखते ही सबके चेहरे पे क्या बच जाता है 12 बज जाता है, यानी यल फॉर लायन सबके चेहरे पे देखते ही 12 बज जाता है। यम में क्या होता है कि हमारी कम 3 बार उठती है और 3 बार रखी जाती है, इसलिए किसी का मुंह नीचे की तरफ होता है, इसलिए क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। यल फॉर क्या होता है 14 नवंबर होता है, क्या होता है 14 नवंबर बाल दिवस होता है, यहाँ पर 14 नवंबर। ओ के लिए कोई ट्रिक नहीं, आप देखिए ओ थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा, ओ किसमें होता है 15 को होता है। पी किसपे होता है 16 को होता है, पी आप ऐसे ही बनता है, आपने कहा अगर किसी बच्चे ने ऐसे थोड़ा सा ऊपर बढ़ा दिया तो ऊपर वाला पार्ट आपको 6 दिखाई दे रहा है, नीचे वाला 1 मिला के कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 16 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। Q
क्यों कैसे बनता? तो आपने कहा ऐसे क्यों बनता है, अगर यहाँ से किसी बच्चे ने, छोटे बच्चे ने अगर ऐसे लटका दिया, यहाँ पतली वाला पार्ट कट कर दिया, ये कैसा फील हो रहा है? आपने कहा 17 की तरह हो रहा है, क्यों किस पे आता है 17? तो आर कैसे बनता है? आप देखिए आर के यहाँ से आप ऐसे बनाता है, कोई आर ऐसे बनता है, तो कैपिटल का मैंने कहा कि अगर कोई छोटा सा बच्चा होगा, बालक होगा, वो क्या करेगा, अगर इसी किसी ने टच कर दिया तो लुक लाइक आर की तरह दिखता है। हम सबको पता था अल्फाबेट में अंग्रेजी में 28 वर्ड होते हैं, कुल कितने होते हैं 26 होते हैं। हमने कहा कि आर तो पहले से भरा हुआ, कि बच्चा को कौन सा जाएगा, तो आपने कहा 18 दे दिया, किसी का 18 जाता है। यह सबका कैसे बनता? तो आपने कहा कि यह सबका जो होता है ऐसे बनता है, अगर आपने किसी ने किसी बालक ने, छोटे बच्चे ने अगर ऐसे यहाँ टच कर दिया, तो ये हम सबको पता है हिंदी का नव की तरह एकदम दिखाई दे रहा है, ये कैसा होगा? तो आपने कहा कि नव की तरह दिखाई दे रहा है, यानी 19 हो गया। T20 मैच हमेशा खेला जाता पूरी दुनिया में, यानी कि 20 यू एक बार का नोट की एक बार में रखी जाती है, 21 बी हम तो हमारे दो का नया आपने सुना है कैसे बनता, 22 यहाँ डब्ल्यू पे कैसे होता? तो आपने कहा कि डब्ल्यू जो आता है आपकी तीन बार में नोट की तीन बार बनती है, और उसका मुंह की दर होता है ऊपर की तरफ, 23 और 24 अगर आप यक्स का मतलब होता है 24 होता है, इसमें चार बार पे नोट की है ऐसे बनता है यक, ये क्या होता है 24 होता है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। और वाई और जेड हम सबको पता था वो किसके होता है 25 होता है, और यहाँ से जेड हमारा किसके होता है 26, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यहाँ तक लर्न कर लेंगे। अगर ये मेथड आपको अच्छा लगा तो इसे एक्सेप्ट करें, नहीं तो जिस भी मेथड से आपको अल्फाबेट का पोजीशन याद ही होना चाहिए, उसमें कोई कंप्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिना याद किए आपको बहुत टाइम टेकिंग हो सकता है आपका पेपर। लेटर टू नंबर होता है, जिसे अक्षर से क्या कहा जाता है, गिनती कहा जाता है, ये वाला होता है। और लास्ट वाला जो आपका होता है चौथा प्रकार का, जो चौथे टाइप का होता है, उसे क्या बोला जाता है, उसे सेंटेंस कोडिंग बोली जाती है। क्या बोली जाती है? सेंटेंस कोडिंग। उसे क्या बोला जाता है? सेंटेंस कोडिंग बोली जाती है, यानी कि वाक्य वाक्य कूट लेखन बोला जाता है, इसे हिंदी में बोला जाता है वाक्य कूट लेखन। तो ये आपके चार प्रकार के क्वेश्चन से बनते हैं। अब चार प्रकार इसके, ये मेन चार प्रकार होते हैं, इसके अंदर वैरायटी बहुत है, वो मैं बताऊंगा आपको आगे चल के। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कोडिंग डिकोडिंग में कितने प्रकार क्वेश्चन बनते हैं, कोई आपसे पूछे तो आपको पता होना चाहिए चार प्रकार के। पहला लेटर टू लेटर जिसे अक्षर से अक्षर कहा जाता है, दूसरा वर्ड टू वर्ड होता है, शब्द से शब्द कहा जाता है, तीसरा शब्द से शब्द होता है, तीसरा अक्षर से गिनती होती है, और चौथा वाक्य कूट लेखन बोला जाता है। ये आपके इतने चार प्रकार क्वेश्चन होते हैं। अब पहला क्वेश्चन इसमें जो बनता है, मैं लिखता हूँ आप सबके लिए, थोड़ा सा आप देखें इसको, मैं इरेज करता हूँ, मिटाता हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए मैं लिखता हूँ, देखें थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर एक लिखता हूँ। क्या क्वेश्चन कह रहा है? यहाँ से कह रहा है कि क्वेश्चन अगर वेदर किसी शब्द के अनुसार, यहाँ से वेदर लिखा हुआ आप देखें, आप बोर्ड पे केवल देखते रहे, इसके सामने जो वर्ड दिया हुआ यक्स है, सी है, डी है, उसके बाद यक्स है, यम है, यक्स है, यम है, उसके बाद यहाँ पर आपको के है और वाई है, लास्ट में आपको जो वर्ड दे रहा है वाई दे रहा है, आपसे पूछ क्या रहा है, तो आपसे कह रहा है कि एक्यूरेट का बताइए, ए सी, यहाँ से इसके बाद डबल यू है, फिर आर है, फिर उसके बाद ए है, फिर टी है, फिर ई है, यहाँ से हो गया। ऑप्शन आपके जो दे रहे हैं चार ऑप्शन आप देखें, यहाँ से आपका बी हो जाएगा, ई हो जाएगा, एफ हो जाएगा, यहाँ से आपका जेड है, डब्ल्यू है, उसके बाद आपका जी है, ए है, और उसके बाद क्या है, एच है। दूसरा जो आपको दे रहा है वो क्या दे रहा है, तो आपने कहा कि बी है, ई है, एफ है, उसके बाद जेड है, उसके बाद आपका डब्ल्यू है, उसके बाद जी है, फिर जेड है, फिर उसके बाद आपको क्या दे रहा है, यम दे रहा है, ठीक। तीसरा जो दे रहा है, तीसरा आपका जो ऑप्शन दे रहा है वो क्या दे रहा है, तो आपने कहा कि बी है, ई है, उसके बाद एफ है, वाई है, उसके बाद डब्ल्यू है, उसके बाद जी है, फिर ए है, फिर यम है, उसके बाद लास्ट ऑप्शन आपको चौथा जो ऑप्शन दे रहा है वो क्या दे रहा है, तो आपने कहा कि बी है, ई है, उसके बाद आपको जी है, फिर उसके बाद जेड है, जी के बाद यहाँ पर जेड वर्ड दे रहा है, डब्ल्यू दे रहा है, फिर उसके बाद आपको क्या दे रहा है, जी है, फिर ए है, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको क्या दे रहा है, यम दे रहा है, ठीक है। अब आपको चेक करना है, तो मैंने कहा कि अगर आपको अक्षर से मतलब पोजीशन याद है, तो सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग करते समय जी मेरी जिम्मेदारी होती है, जब मुझे मान लीजिए, मैं ये मान लेता हूँ कि आप पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिसको आपको मतलब कोडिंग डिकोडिंग एकदम नहीं आती, कैसे करोगे? तो आप सबकी जिम्मेदारी होती है जो अक्षर दिए जाते पहले उनके स्थान लिखो। डब्ल्यू का स्थान कितना होता था, जिसका मैं ऊपर की तरफ मतलब तीन बार पेन उठती, यानी कितना हो जाएगा 23। ई किस पे आता, 5 पे, ए किस पे आता, 1 पे आता, T20 मैच हमेशा खेल जाता 20, यच हमारा लुक लाइक आर की तरह हो गया 8 होता, ई हमारा 5 हो गया, आर हमारा 18 होता, लिख दिया अपने साथ। यक्स किस पे होता, तो आपने कहा 24 पे होता है, सी हमारा 3 पे होता, डी किस पे होता, तो आपने कहा 4 पे होता है, यक्स किस पे होता, फिर से 24, एफ किस पे होता है, जिसका मुख नीचे की तरह तीन बार पेन उठते, 3 है, के किस पे होता है, 11 पे होता, वाई हम सबको पता होता है किस पे होता है, 25 पे होता है।
अब मेरी जिम्मेदारी ये होती है कि हम सब की जिम्मेदारी ये होती है क्या करना था कि पहले अक्षर को आप डिस्टेंस चेक करो, दूरी चेक करो कितना है। तो मैंने कहा कि यहाँ से यहाँ तक अगर आप चेक करोगे पहले अक्षर से पहले अक्षर के बीच की दूरी, यहाँ 23 से यहाँ पर 24 तक कितना ऐड हो रहा था, आपने कहा प्लस वन। मैंने कहा इस वाले दूसरे अक्षर से यहाँ ई से लेकर सी तक अगर आप दूरी चेक करोगे तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो आपने कहा कि यहाँ -2 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको 5 है, यहाँ पर -3 दिखाई। मैंने कहा ठीक है, यहाँ पर आप ज्यादा चेक करिए तो यहाँ पर आपको क्या हो रहा है, तो आपने कहा यहाँ से आपको क्या हो रहा है प्लस, आपका कितना हो रहा है 3 हो रहा है, 1 पर 1 है, यहाँ से 4 जा रहा है 3 हो रहा है। फिर यहाँ से देखिए 20 है, 20 में से आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है 24 दिखाई दे रहा है, यहाँ से 20 को आपको क्या दिखाई दे रहा है 24 दिखाई दे रहा है। तो मैंने कहा कि 20 से 24 यहाँ पर क्या हो रहा है, तो आपने कहा कि प्लस हो रहा है, 4 का प्लस हो रहा है। यहाँ पर भी आपको जो ये वाला वर्ड दिया है, एक मिनट में देख लेता हूँ, यहाँ से वेदर है ये, सॉरी यहाँ पर जी लिखा हुआ है, यहाँ पर माइनस वाले से नहीं प्लस ही है। तो मैंने कहा ये भी क्या हो रहा है आपका प्लस 2 हो रहा है, फिर यहाँ से +1 +2 +3, फिर यहाँ से 20 है, 20 से बाद यहाँ 24 आ रहा है तो आपका 4 हो रहा है, 8 है यहाँ पर, 8 से यहाँ पर कितना जा रहा है तो 5 हो रहा है, यहाँ से ई है, यहाँ से आपका 11 जा रहा है तो 6 बढ़ रहा है, यहाँ से 18, यहाँ 25 जा रहा है, यानी कि 7 बढ़ रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे 1 2 3 4 5 सीरीज बढ़ रही है, सेम इसी पैटर्न पे इसको लिखा जाएगा ए, हम सबको पता होता है कि किसका। मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा लिखता हूँ, मैंने कहा यहाँ पर ए है, सी है, सी है, यू है, आर है, ए है, टी है। इसमें क्या करना है कि यहाँ पर आपको +1 करना है, यहाँ पर +2 +3 +4 +5 +6 +7 और यहाँ से आपका क्या +8 हो, यहाँ पर ऐड हो जाए कितना ऐड हो रहा है। अब देखिए एक का एक का पोजिशन कितना होता है, एक होता है, एक में जोड़ेंगे कितना जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 के साथ में क्या होता है डी होता है। यहाँ सी भी किसका था, 3 पैदा, 3 में 2 जोड़ेंगे कितना जाएगा 5 पैर वाला वर्ड कौन सा जाएगा, तो आपने कहा 5 ई होता है। यहाँ से सी कितने होता है, आपने कहा 3 में 3 जोड़ा जाएगा 6 पे आने वाला वर्ड है। यहाँ जो 21 पे होता है, 21 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, तो आपने कहा कि 21 और 25 होता है, 25 पे आने वाला वर्ड वाई होता है। यहाँ से 18 होता है, 18 में 5 जोड़ेंगे कितना जाएगा 23 पे आने वाला वर्ड अंग्रेजी में क्या होता है डब्ल्यू होता है। यहाँ से ए मतलब होता है, एक होता है 6 जोड़ देंगे 7 जाएगा, 7 पे आने वाला वर्ड कौन सा था जी फॉर गुड। यहाँ से T20 होता है, T20 में हमेशा 7 जोड़ेंगे 27 पे आने वाला वर्ड होता है ए होता है। ए की जो पोजीशन होती है 26, एक भी होती है 27 भी होती है। यहाँ ई होता है, ई में अगर आपने 5 में 8 जोड़े तो आपका 13 हो जाएगा, 13 का 7 पे कौन सा आ जाएगा, तो आपने कहा यम हो जाएगा। तो आपका जो भी आंसर अगर आप चेक करोगे तो यहाँ से जो आपका आंसर दिखाई दे रहा है वो कौन सा तीसरा आंसर आप चेक हो जाएगा सही हो जाएगा। आप इसको नोट करो, फिर मैं इसके बाद अगला सेम पैटर्न पे इसी क्वेश्चन लिखता हूँ। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके लिए लिखा गया, छोटा सा क्वेश्चन है, म्यूजिक के सामने क्या लिखा गया, तो आपने कहा कि ओ है, एक्स है, डब्ल्यू है, एन है, आई है। तो मैंने कहा कि आप सबको अगर जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे, यहाँ क्या लिखोगे, म्यूजिक लिख लो। करने का तरीका मैं बताता हूँ बेसिक से। अगर मान लो आपने क्या करोगे बेसिक में, सबसे पहले इसका स्थान लिखोगे कि कितना है, 13 है, यू किस पे, 21 पे आता है, एस किस पे आता है, 19 पे आता है, आई 9 पे आता है, सी किस पे आता है, तो आपने कहा सी या 25 पे आता है, 3 पे आता है। इसके सामने जो वर्ड लिखा है ओ लिखा है, एक्स लिखा है, डब्ल्यू लिखा है, एन लिखा है, आई लिखा हुआ, यू वर्ड लिखा हुआ। ओ का स्थान कितना होता है, तो आपने कहा 15 होता है, एक्स का किस पे होता है 24 होता है, डब्ल्यू आपका 23 होता है, एन आपका 14 नंबर होता है, आई किस पे होता है, तो आई आपका जो होता है वो 9 पे होता है। अब मैंने कहा कि पहले से पहले अक्षर के बीच की दूरी चेक करो, तो आप कहोगे यहाँ से कितना आ रहा +2 हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक आप चेक करोगे तो 21 से 24 आने के लिए +3 हो रहा हो, 19 से 23 आने के लिए कितना आ रहा +4 हो रहा होगा, यहाँ से अगर आप चेक करोगे 9 है, यहाँ से 9 से यहाँ तक 14 में जाने के लिए कितना ऐड कर रहा था, आपने कहा 5 कर रहा है, यहाँ से आप देखो 3 है, यहाँ से कितना ऐड कर रहा था, आपने कहा 6 है, यानी जो सीरीज में दिखाई दे रही 2 3 4 5 6 की दिखाई दे रही है सेम इसी पैटर्न पे इसको भी किया जाएगा। आर है, ओ है, बी है, ओ है, टी है, ध्यान से देखिए आर का स्थान 18 होता है, इसमें 2 जोड़ना था 18 और 2 20 होता है, 20 पे आने वाला वर्ड T20 होता है। ओ का मतलब यहाँ पर 15 होता है, 15 में 3 जोड़ेंगे 18 होता है, 18 पे आर आता है। यहाँ पर आपको क्या जोड़ना, तो आपने कहा 4 जोड़ा 4, बी में तो मतलब 2 होता है, उसमें 4 जोड़ेंगे 6 होता है, 6 पे आने वाला यह होता है। उसके बाद यहाँ पर जो आपका वर्ड ओ मतलब होता है 15 में 5 जोड़ेंगे कितना रहेगा 20, तो आपने कहा कि यहाँ पर 20 ले आने वाला T20। और यहाँ पर अगर आप 6 ऐड कर दोगे तो 20 में 6 ऐड कर दोगे कितना जाएगा 26 आने वाला वर्ड आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा, टी आर एफ टी जेड जो भी होगा तीसरा ऑप्शन आपका सही हो रहा है। ये ऐसे करने का तरीका होता है, मैं आगे भी आपको ज्यादा से ज्यादा बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर करें और बढ़िया से पढ़ें, आप प्रॉपर नोट्स बनाएं। कोडिंग डिकोडिंग के 5 से 6 घंटे का लेक्चर होता है, आप पूरी एक बार कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लें, उसके बाद आपको दोबारा किसी बुक से पढ़ें, आपको कोई डाउट नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरा पूरा भरोसा है पढ़ाने के बाद आप, लेकिन पूरा प्रॉपर नोट्स बनाते चलें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, खुश रहें, बाय बाय, टेक केयर।